दिस इज फोर्थ क्लास ऑन लॉ ऑफ टॉर्च। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्च के तीसरे मैक्सिम विच इज ओबी जस ईबी रेमेडियम, इस पर्टिकुलर मैक्सिम से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने लॉ ऑफ टॉर्च के बेसिक मीनिंग को समझा, हमने ये जाना कि ब्लैकस्टोन सालमंड किस तरह से लॉ ऑफ टॉर्च को डिफाइन करते हैं, हमने ये भी जाना कि लॉ ऑफ टॉर्च बेसिकली तीन मैक्सिम्स पर बेस्ड है, या दीज आर द थ्री मैक्सिम्स विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टॉर्च एज ए लॉ। इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया और ओबी जस ईबी रेमेडियम, ये तीन मैक्सिम्स हैं जो कि फाउंडेशनल बेसिस हैं लॉ ऑफ टॉर्च की। तो अपने अब तक के वीडियोस में हमने इन दोनों ही मैक्सिम्स को कवर कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इस वीडियो में हम ओबी जस ईबी रेमेडियम इस मैक्सिम को कंप्लीट कवर करेंगे प्रॉपर नोट्स और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और एंड में हम कुछ केस लॉज भी देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द थ्री मैक्सिम्स विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्च। इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कॉजिंग हिम एक्चुअल डैमेज और एक्चुअल लॉस। डैमनम साइन इंजूरिया मीन्स देर इज फिजिकल डैमेज और देर इज एक्चुअल लॉस, बट देर इज नो वॉयलेशन ऑफ एनी प्राइवेट लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। और कोर्ट कॉम्पनसेशन तभी ग्रांट करेगा जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के एक्शन या ओमिशन के वजह से दूसरे पर्सन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ हो। कोर्ट किसी मोरल रॉन्ग्स, किसी सोशल रॉन्ग्स के अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन नहीं ग्रांट करता है। और तीसरा है ओबी जस ईबी रेमेडियम। ओबी जस ईबी रेमेडियम इस मैक्सिम का मतलब है वेयर देयर इज राइट, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, देयर इज रेमेडी, या देयर इज नो रॉन्ग, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। तो ओबी जस ईबी रेमेडियम मैक्सिम ये कहता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, विच मीन्स व्हेनेवर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल लॉ ग्रांट्स कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिफ, या देयर इज नो लीगल रॉन्ग विदाउट रेमेडी। तो इस मैक्सिम का मतलब इतना ही है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, और वेयर देयर इज लीगल रॉन्ग देयर इज रेमेडी, और देयर इज नो लीगल रॉन्ग विदाउट रेमेडी, राइट। ओबी जस ईबी रेमेडियम इज अ लैटिन मैक्सिम विच मीन्स वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी।
Ubi jus ibi remedium is a Latin maxim, which means where there is right, there is remedy. अच्छा, the word jus means legal authority to do so. Legal authority. Yeah. Demand something. And the word remedium means action in court of law. Action in court of law. So just means the person whose private legal rights has been violated. एक पर्सन जिसके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, उसके पास लीगली ये अथॉरिटी है कि वो रेमेडी क्लेम कर सकता है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंड द वर्ड रेमेडियम मीन्स कॉम्पनसेशन, राइट. लिटरल मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम इज wherever there is legal right, there is legal remedy. It also expresses that there is no wrong without remedy. Acha, Justice Pollock ne kaha tha, P-O-L-L-O-C-K. Justice Pollock ne kaha tha, rights and wrongs are contrary to each other. Rights and wrongs kya hai? एक दूसरे के कॉन्ट्रारी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. राइट एक्शंस आर दोज विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय मोरल रूल्स. राइट एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो मोरली सही होते हैं, जिन्हें आप मोरली जस्टिफाई कर सकते हो. वेयर एज रॉन्ग एक्शंस आर दोज विच आर नॉट prescribed by moral rules or which are prohibited by the laws. Right. Now what are the essentials of ubi jus ibi remedium? So I hope ki ubi jus ibi remedium ka jo concept hai wo aapko samajh mein aa gaya hoga. Chaliye ab hum deal karenge iske kuch essential elements se. Maxim, the first element of ubi jus ibi remedium is maxim ubi jus ibi remedium can be applied only where rights exist and that right should be recognized by court of law. ये जो हमारा maxim है damnum sine injuria, ये अपने आप में ये confirm कर देता है कि law सभी टाइप्स के रॉन्ग को रिकग्नाइज नहीं करता है. लॉ केवल और केवल, कोर्ट केवल और केवल उन्हीं रॉन्ग्स को रिकग्नाइज करता है जो कि लीगल रॉन्ग्स हैं. यानी अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसे आप रॉन्ग डूअर कह रहे हो, इस पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट या ओमिशन के वजह से आपके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, जैसे राइट टू कास्ट वोट इज योर लीगल राइट, तो अगर प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो केवल उन्हीं रॉन्ग्स को रिकग्नाइज करता है कोर्ट, और उन्हीं रॉन्ग्स के लिए आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है. यानी ये जो मैक्सिम है डामनम साइन इंजुरिया, ये अपने आप में जितने भी फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है या लॉ ऑफ थॉट्स के स्कोप को लिमिट कर देता है कि हम केवल और केवल लीगल इंजरी को ही देखेंगे और लीगल इंजरी के लिए ही कॉम्पनसेशन ग्रांट करेंगे. तो इस मैक्सिम का जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है
presence of rights, or kaisa rights, legal rights, aisa right which should be recognized by court of law. और हम जानते हैं कोर्ट केवल और केवल लीगल राइट्स को ही रिकॉग्नाइज करता है. दूसरा, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट हैव बीन डन विच वायलेट्स द लीगल राइट्स ऑफ पर्सन क्लियरली. तो कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ हो, उस रॉन्गफुल एक्ट के वजह से दूसरे पर्सन का प्राइवेट लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो, तो पहला कहता है देयर मस्ट be existence of legal rights, there must be existence of some rights which must be recognized by court of law. Dusra, wrongful act must have been done which violates the legal rights of person clearly. Tisra, this maxim can be used only when sufficient relief has not been provided by the court to the persons who sustained injury. तो इस मैक्सिम का यूज आप तभी कर सकते हो जब कोर्ट में आपको कॉम्पनसेशन ना मिल पाया हो, या लॉ उस पर्टिकुलर इंजरी के रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेशन के प्रोविजंस को नहीं इंक्लूड करता हो. देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन, तभी आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट से कॉम्पनसेशन मांग सकते हो. तो दिस मैक्सिम कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन सफिशिएंट रिलीफ हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट to the person who sustained injury. तो कोर्ट में अगर आपको sufficient injury, या अगर कोर्ट के order से आपको लगता है कि कोर्ट ने biasness किया है, या कोर्ट के order से आप अपने आप को aggrieved पाते हो, तो आप इस maxim के तहत claim कर सकते हो legal remedy को. चौथा, this maxim is applicable if any injury had been caused to any person. If no legal injury had been caused, then maxim damnum sine injuria will be used, which means damage without legal injury. तो ये जो maxim है वो भी just ए बी रेमेडियम. कोई भी person जिसे लगता है कि हाँ उसके private legal rights का violation हुआ है, वो इस maxim के तहत कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है. लेकिन अगर उसके प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जामनम साइन इंजूरिया मैक्सिम एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड ही और शी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन बिकॉज देयर इज नो वॉयलेशन ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स एज पर जामनम साइन इंजूरिया मैक्सिम. ठीक है, तो ये थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ओबी जस एबी रेमेडियम. नाउ अब हम इस मैक्सिम के कुछ लिमिटेशंस को भी देखेंगे. जैसे पहला, इट डज नॉट अप्लाई टू मोरल एंड पॉलिटिकल रॉन्ग विच आर नॉट एक्शनेबल. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केवल वही एक्शंस एक्शनेबल हैं जो लीगल रॉन्ग्स हैं. लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसी प्रकार के सोशल रॉन्ग्स, मोरल रॉन्ग्स या पॉलिटिकल रॉन्ग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, या ऐसे रॉन्ग्स के लिए कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं करता है. ऑलराइट, पहला इसका लिमिटेशन. दूसरा, डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस इन विच प्रॉपर रेमेडी इज गिवन इन केस ऑफ breach of right under common law. उन केसेस में जिसमें प्रॉपर रेमेडी दिया गया है, किसी लॉ में प्रॉपर रेमेडी दिया हुआ है, तो उन केसेस में ओबी जस
एबी रेमेडियम एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज देयर स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड रिगार्डिंग रेमेडी. अगेन इसका स्कोप लिमिटेड हो गया. तीसरा, इफ देयर इज नो लीगल डैमेज विच हैज बीन कॉज टू एनी पर्सन देन दिस मैक्सिम विल नॉट बी एप्लीकेबल. अगर लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है, लीगल इंजरी नहीं हुआ है किसी पर्सन को, तो वहां पे ये मैक्सिम एप्लीकेबल नहीं होगा. दिस मैक्सिम इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस. पब्लिक न्यूजेंस के केस में ये मैक्सिम एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल प्लेंटिफ शोज दैट ही सफर्ड मोर इंजरी देन अदर मेंबर्स और पीपल्स ऑफ सोसाइटी. तो ये जो मैक्सिम है वो पब्लिक न्यूसेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तब तक नहीं एप्लीकेबल होगा जब तक जो प्लेंटिफ है वो ये प्रूफ नहीं कर देता है कि औरों से ज़्यादा डैमेज उसे हुआ है, ही और सी सफर्ड अलॉट देन अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. अब सपोज करो कि दिस इज द एरिया, दिस इज द अपार्टमेंट, और किसी एक अपार्टमेंट में रात को 12 बजे डीजे बज रहा है फुल साउंड में. तो इससे इस अपार्टमेंट में जितने पर्सन्स रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, जितनी फैमिली रह रही है, सभी क्या हैं, बराबर अफेक्टेड हैं. पब्लिक न्यूजेंस के केस में ये मैक्सिम एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन अगर एक पर्सन पब्लिक न्यूजेंस के केस में कॉम्पनसेशन लेना चाहता है तो उसे ये प्रूफ करना होगा कि उसने अदर मेंबर्स से ज़्यादा उसे नुकसान हुआ है, ही और शी सफर्ड अलॉट देन अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, लास्ट क्या कहता है, दिस मैक्सिम इज नॉट एप्लीकेबल वेयर प्लेंटिफ इज नेग्लिजेंट और देयर इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ अगर नेग्लिजेंट था या प्लेंटिफ के साइड से नेग्लिजेंस हुआ था तो वैसे केसेस में भी ओबी जस एबी रेमेडियम एप्लीकेबल नहीं होता. राइट, दीज आर लिमिटेशंस. अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 4-5 केसेस देखेंगे और ओबी जस एबी रेमेडियम के कंसेप्ट को और भी क्लारीफाई कर लेंगे. राइट, तो ये था ओबी जस एबी रेमेडियम का कॉन्सेप्ट जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको समझाने की कोशिश करी. अगर ये वीडियो आपको किसी मैनर में हेल्प करता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट ज़रूर शो करिए. और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.